गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फिर सॉल्व करेंगे आज। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट का क्यूब वाई इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब बाय यू इंटू वी। देखो ये यू है, ये वी है, मल्टीप्लीकेशन में तो इसका कैसा होता है, इसका जो होता है स्टार्ट में आता है यू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी, ये नहीं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यू। ओके, सो इसको हम ये फॉर्म में सेट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है आपका यू, यू आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वी क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस अगेन वी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यू क्या आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, चलो अभी एज इट इज लिखेंगे हम यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव। देखो अब ये पूरा टर्म एक्स है, इसके पावर में एन है, तो क्या हो जाता 3 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 3 माइनस 1 इंटू, अब देखो ये चलेगा डेरिवेटिव किसका निकलेगा, इसका निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, प्लस प्लस में जाएंगे अब ये वाला पार्ट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल ब्रैकेट का क्यूब इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे अगेन, ये पूरा एक्स है पावर में तो टू आगे आ जाएगा, यहाँ स्पेस नहीं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, टू आगे आ जाएगा 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 माइनस 1, अब डी वाई बाई डी एक्स इसका निकलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ तक समझे, नाउ सिंप्लीफाई करो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 3 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 3 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू डेरिवेटिव। अब देखो 1 कॉन्स्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या रहता है माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब इसका डेरिवेटिव निकलेगा ओनली कॉस एक्स का। ओके, इसका निकलेगा ओनली कॉस एक्स का। अच्छा, ये डेरिवेटिव साइन एक्स नहीं है, देखो ये पूरा एक्स है, एक्स एक्स रेस्टोरेंट तो ये आ गया, यहाँ पे ये कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो तो टू आगे आ जाएगा 2 कॉस, अरे 2 माइनस 1 दैट इज 1 कॉस एक्स ऐसा आएगा, राइट, ये आएगा यहाँ पे डेरिवेटिव कॉस एक्स का निकलेगा आगे प्लस, तो ये एज इट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पे ये 2 ये वाला 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू माइनस वन दैट इज 1, तो छोड़ दो उसको डेरिवेटिव, ये 1 क्या टर्म कॉन्स्टेंट है, तो ये अगेन ये x है तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे साइन, अगर 2 माइनस 1 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, साइन x इस तरीके से आएगा। ओके, आप डेरिवेटिव लिख लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इसका ओनली साइन x का। चलो नेक्स्ट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू 3 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू 2 कॉस एक्स इंटू, अब देखो कॉस एक्स का क्या निकलता है डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पूरा क्यूब, अब ये 2 एज इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या निकलता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकलता है कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, अब जो है तो इसको थोड़े अलग फॉर्म में लिख लेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 3 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, जब ये साइन में पहले लिखता है 2 साइन एक्स माइनस का साइन दे दिया इंटू ये कॉस एक्स, अब यहाँ लिखता मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में इधर का उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होता 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यू 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स,
देखो एक अपने पास आइडेंटिटी बाय टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा। अब यहाँ पे थीटा नहीं है, एक्स है, तो हम क्या लेंगे, एक्स का इंटीग्रल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या आ जाएगा साइन टू एक्स। सिमिलरली वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू थ्री वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, देखो ये माइनस का साइन है इसको कंसिडर मत करो, उसको हम चेंज कर देंगे बाद में, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दैट इज माइनस साइन टू एक्स फिनिश। प्लस ये वाला पार्ट, इसकी जगह मैंने ये आइडेंटिटी यूज करा, अब इसकी जगह भी ये करूँगा, ये क्या है वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब ये टू वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन टू एक्स। ओके ये हो गया अपना, यहाँ तक आ गए। अब मैं क्या करूँगा, अब जो है तो मैं ये थ्री स्टार्ट में ले लूँगा, माइनस साइन भी उसको दे दूँगा, माइनस थ्री हो गया, और ये साइन टू एक्स भी हम स्टार्ट में ले लेंगे, साइन टू एक्स इंटू क्या है आपका ये वन प्लस साइन स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस। अब क्या करूँ मैं, साइन टू एक्स को भी आगे ले लेंगे, ये नीचे पीछे आ रहा ना प्लस की तरह, साइन टू एक्स इंटू ये साइन टू एक्स इंटू ये वाला पार्ट वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब टू इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस की इधर अलग है और ये प्लस के बाद अलग है, यहाँ पे भी साइन टू एक्स है, यहाँ पे भी साइन टू एक्स है। अब मैं कॉमन निकालूंगा, देखो वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी, यहाँ पर भी वन प्लस कॉस, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो कॉमन कैसे निकलेंगे आप, अब कॉमन निकालेंगे ये साइन टू एक्स को जो तो मैं स्टार्ट में ले लेता हूँ, ओके ये माइनस का साइन एज इट इज साइन माइनस का साइन नको साइन टू एक्स, देखो ये साइन टू एक्स ये साइन टू दो है कॉमन ले लिया राइट। अब देखो वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे वन है, मतलब ये स्क्वायर यानी टू टाइम और ये थ्री टाइम, अपने को कॉमन होना यानी इधर से एक बार होना इधर से एक बार होना। चलो ये दोनों का एक एक बार ले लिया तो इधर एक्स्ट्रा एक बच जाएगा, उसको ध्यान में रखो, उसको बाद में लेंगे। वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे एक बच बाकी है रिमेनिंग है। अब देखो वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे क्या क्यूब है, तो यहाँ पे टू टाइम यहाँ पे थ्री टाइम, दो दो का एक पेयर बनेगा, दो दो का एक बार कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे एक बच जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक आए। अब क्या करेंगे, अब जो तो कॉमन लेने के बाद ये मेरा माइनस थ्री यहाँ लिख दिया, बचा क्या इसका एक बार बचा और इसका एक बार बचा, ठीक है ना। तो वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये तुम्हारा टू राइट प्लस टू क्या बचा वन प्लस ये स्पेस नहीं यहाँ पे लिख देता वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट कंप्लीट। ओके अब जो तो क्या करेंगे, अब इसको जो तो मैं टू वन प्लस कॉस स्क्वायर को स्टार्ट में लिख देता, इसको बाद में लिख देता, माइनस का साइन है इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, साइन टू एक्स वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू टू वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये थ्री वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके ठीक है अब जो है तो पेज न्यू पेज यस अब क्या करेंगे हम, अब जो है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये वाले पार्ट को, यहाँ लिख देता हूँ साइन टू एक्स इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देखो टू वन जा टू टू इंटू टू टाइम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री थ्री वन जा थ्री, अब देखो ये माइनस है प्लस को क्या कर देंगे माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स। ओके इस तरीके से ये
आ जाएगा। अब देखो ये 2 cos स्क्वायर एक्स अलग है और ये माइनस 3 sin स्क्वायर एक्स अलग है, ओके, और 3 माइनस 3 sin स्क्वायर एक्स, ओके। चलो अब ये cos की जगह मैं एक दूसरी चीज़ लूँगा, दूसरी चीज़ क्या लूँगा, एक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और ये इधर का प्लस का अगर माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाता तो ये इसकी जगह पे मैं 1 माइनस sin x लूंगा, sin 2x 1 प्लस sin स्क्वायर x 1 प्लस cos स्क्वायर x स्क्वायर इन टू, देखो 2, अब देखो ये 2 है और ये माइनस 3 है, 2 में से 3 गया, क्या बचा माइनस 1, राइट, माइनस 1 बचा, तो इसको हम बाद में लिखेंगे, ऑलरेडी ये वाला 2 मैंने लिख लिया और इसकी जगह क्या आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स, ओके, ये हो गया। देखो ये 2 एज इट इज, ये इसकी प्लेस पे आ गई, ये 2 में से 3 गया माइनस 1, लास्ट में लिखेंगे, अब यहाँ पे आएगा माइनस 3 sin स्क्वायर एक्स, ये माइनस 1 बचा था उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ओके, ठीक है ना, हो गया, राइट। अब देखो अब क्या होगा, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें जो तो थोड़ा इसको, अब क्या होगा साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, देखो हम क्या करेंगे, 2 वन जा 2 माइनस 2 इन 2 2 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, देखो ये भी क्या है मल्टीप्लाई में 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3, ओके। अब देखो क्या होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन 2x 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, देखो ये 2 में से 3 गया तो माइनस 1 और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स, अब इसके साइन चेंज कर दो बोथ के, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बोथ प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ लिख लेंगे दैट इज डी वाई बाय डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय चेंजिंग द साइन 1 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स, ओके। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर है, ठीक है, क्योंकि अच्छा है, इजी है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। ये आपका पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, ओके। नेक्स्ट है आपका 6 रूट में कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अंडर रूट एक्स, इजी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज डी वाई बाय डी एक्स, क्या करेंगे हम, रूट एक्स का डायरेक्टिव क्या होता है 1 बाय 2 टाइम रूट एक्स, यानी 1 बाय 2 टाइम रूट में क्या है कॉस एक्स प्लस 1 बाय 2 टाइम, सॉरी डेरिवेटिव डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, अब क्या निकलेगा डेरिवेटिव कट डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बाय 2 टाइम कॉस एक्स डीवाई बाय डी एक्स, किसका निकलेगा ओनली कॉस एक्स का निकलेगा प्लस अगेन 1 बाय 2 टाइम कॉस रूट में एक्स इंटू डीवाई बाय डी एक्स, किसका निकलेगा कॉस रूट एक्स का निकलेगा, ओके। चलो 1 अपॉन 2 टाइम कॉस एक्स रूट में इंटू कॉस एक्स का क्या निकलता है डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स 1 अपॉन 2 टाइम कॉस रूट एक्स इंटू, देखो कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या निकलेगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू डीवाई बाय डी एक्स, ये रूट एक्स का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बाद में, ठीक है ना, उसका भी आगे वो ये एक्स बचेगा अपने पास आखिरी में, अब यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन
टू टाइम कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस वन अपॉन टू टाइम रूट कॉस एक्स रूट में कॉ एक्स इंटू माइनस साइन रूट में एक्स अगेन इसका वन रूट एक्स बोले तो वन वन बाय टू टाइम रूट एक्स डेरिवेटिव निकला उसका ओके अब क्या करेंगे देखो ऊपर ये साइन एक्स तो इसको इधर ले लेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन में टू टाइम रूट में कॉस एक्स अब देखो ये माइनस है तो ये इधर आ जाएगा ठीक है ये तो ये प्लस क्या हो जाएगा प्लस भी जो तो माइनस हो जाएगा राइट है ना तो ये हो जाएगा साइन रूट एक्स अपॉन में क्या होगा टू टाइम कॉस रूट एक्स इंटू वन अपॉन टू टाइम रूट एक्स अगर टू इंटू टू क्या हो जाएंगे फोर हो जाएंगे ठीक है तो ये आंसर बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू टाइम कॉस एक्स माइनस साइन रूट एक्स अपॉन टू टू जा फोर ये एक्स रूट का इंटू ये कॉस रूट एक्स ठीक है ये आपका फाइनल आंसर नेक्स्ट है आपका सेवन लॉग सेक थ्री एक्स लॉग ऑफ सेक थ्री एक्स प्लस टेन थ्री एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स देखो लॉग एक्स है लॉग एक्स इसका डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन एक्स तो ये लॉग है ये पूरा एक्स है तो वन अपॉन एक्स में क्या आएगा वन अपॉन सेक थ्री एक्स क्या होगा वन अपॉन सेक थ्री एक्स प्लस टेन थ्री एक्स इंटू डेरिवेटिव निकलेगा जो ब्रैकेट में उसका यानी सेक थ्री एक्स प्लस टेन थ्री एक्स ओके चलो वन अपॉन सेक थ्री एक्स प्लस टेन थ्री एक्स इंटू सेक थ्री एक्स है सेक का डेरिवेटिव क्या निकलता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स यानी सेक थ्री एक्स इंटू टेन थ्री एक्स हो गया अब बचा क्या देखो sec 3x बचा 3x तो 3x का डेरिवेटिव लेंगे dy बाय dx 3x प्लस ये tan 3x एज इट इज क्योंकि tan का डेरिवेटिव हम बाद में निकालेंगे ओके ठीक है sec 3x नहीं वैसे नहीं करना पड़ेगा इसमें क्या करेंगे हम 3x हाँ राइट है इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे अभी शायद डेरिवेटिव में सभी चाहना चलो इसका भी ले लेंगे इसका क्या निकलेगा टेन का क्या निकलेगा यानी थ्री एक्स सेक स्क्वायर एक्स निकलता क्या निकलता उसका सेक स्क्वायर निकलेगा क्या निकलेगा सेक स्क्वायर एक्स यानी थ्री एक्स और इसका भी डी वाई बाई डी एक्स क्या है उसका भी थ्री एक्स ओके चलो वन अपॉन से थ्री एक्स प्लस टेन थ्री एक्स इंटू सेक थ्री एक्स इंटू टेन थ्री एक्स देखो एक्स की वैल्यू वन रहेगी तो थ्री वन जा थ्री प्लस सेक स्क्वायर थ्री एक्स अगेन इसका भी क्या रहूँगा थ्री एक्स का कौन सा वैल्यू थ्री वन जब थ्री हो जाएगा राइट अब क्या करेंगे देखो ये मल्टीप्लाई में ये ऊपर आ जाएगा sec 3x इंटू टेन थ्री एक्स अपॉन में sec 3x प्लस टेन थ्री एक्स बचा क्या बचे हुआ सिर्फ ये छे थ्री और थ्री ठीक है ना तो थ्री जो है तो मैं कॉमन ले लूँगा ठीक है तो ये इधर आ गया थ्री प्लस सेक स्क्वायर थ्री एक्स इंटू थ्री ओके
देखो इधर मल्टीप्लाई में भी 3 और प्लस के बाद भी 3, तो कॉमन निकाल लेंगे मैं अभी, ये क्या जो है कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा 3 उसके बाद सेक स्क्वायर 3x, इस तरीके से मैं कॉमन निकाल लूँगा। ओके ठीक है, ये कॉमन निकल लेगा। ओके तो ये आपका फाइनल आंसर है dy बाय dx। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है आपका 8 वाला, 1 प्लस साइन x डिग्री, 1 माइनस साइन x डिग्री। ओके अब ये कौन से फॉर्म में, u अपॉन v के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, बाय u अपॉन v, ये आपका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला बनता है, ये बनता v ऑफ du बाय dx माइनस u इंटू dv बाय dx अपॉन में v का स्क्वायर। ओके राइट है ना, तो हम लिखेंगे फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये फार्मूला सेट करना है, क्या हमें dy बाय dx इक्वल टू v, v क्या है साइन डिग्री इंटू dy dx, u क्या है 1 प्लस साइन x डिग्री माइनस अगेन u क्या है आपका h 1 प्लस साइन x डिग्री इंटू dy बाय dx, तो dv v क्या है आपका ये वाला 1 माइनस साइन x डिग्री। ओके अपॉन में जो है तो पूरा v स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन x डिग्री का स्क्वायर, अरे dy बाय dx ऐसा लेना पड़ेगा, dy बाय dx इसके इक्वल के सामने। ओके चलिए अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हमको जो है तो इसको आगे सॉल्व करना है, क्या होगा ये तो मैं इस तरीके से 1 माइनस साइन एक्स डिग्री एज इट इज इन टू, अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालना है, 1 क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, 1 कौन से टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म है, 1 कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा 1 प्लस जो साइन एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा साइन का क्या हो जाता कॉस हो जाता, क्या हो जाता कॉस, लेकिन अब यहाँ पर x है, क्या है यहाँ पर x डिग्री है, तो x डिग्री जो है तो उसका भी डेरिवेटिव निकलेगा, अब x डिग्री का डेरिवेटिव थोड़ा हटके हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 में देखो आपने देखा था 11 में एक टॉपिक है उसमें कैसा है 1 डिग्री इक्वल टू पाई, अरे 180 रेडियन। ओके सिमिलरली अपने पास क्या है x डिग्री है, 1 डिग्री का क्या हो जाएगा पाई इंटू एक्स रेडियन अपॉन 180 इस तरीके से, तो यहाँ पे अब जब डेरिवेटिव लेने का जब डेरिवेटिव लेना तभी x डिग्री की वैल्यू ये फॉर्म में ले लेना, ठीक है डेरिवेटिव में उसका ऐसा आंसर मिलेगा आपको। ओके तो हम क्या करेंगे आप अब यहाँ पे जो है तो ये तो बता दें हमें स्पेस नहीं अभी न्यू पेज पर लिखना पड़ेगा, वेट देखो ये 1 साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे हम 1 माइनस साइन एक्स डिग्री एज इट इज आ गई इंटू डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है 0 साइन का क्या आता कॉस एक्स डिग्री आएगा, अब देखो ये एक्स डिग्री है इसका अगेन डेरिवेटिव निकलेगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा dy बाय dx, अब डेरिवेटिव के टाइम पे क्या बोला मैं ये ले लेना, तो यहाँ जाएगा पाए एक्स रेडियन अपॉन 180 होगा यहाँ तक माइनस ये वाला 1 प्लस साइन एक्स डिग्री इंटू डेरिवेटिव, देखो 1 कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या आएगा साइन एक्स का आएगा कॉस एक्स राइट, जब साइन एक्स ये माइनस होती है ये भी क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डिग्री इंटू डीवाई बाय डी एक्स, अगेन यहाँ पे भी एक्स डिग्री तो ये भी क्या आ जाएगा पाई एक्स रेडियन अपॉन 180 ठीक है ना, और तुम्हारा डिवाइड में
क्या था? ये था 1 माइनस साइन x डिग्री का स्क्वायर। ओके ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या हुआ, ये x है, x की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब देखो यहाँ पे जो है, तो ये लास्ट में मैंने देखो यहाँ पे बताया था, ये x डिग्री की जगह पे रेडियन आता, तो यहाँ पे अब रेडियन हट जाएगा, रेडियन हटा देना। यहाँ पे जो रेडियन है वो तो यहाँ पे नहीं लगाना, तो ये हटा दो और ये भी हटा दो, क्योंकि अपन डेरिवेटिव ले रहे हैं उसका। क्या ले रहे हैं? डेरिवेटिव ले रहे, इसलिए हमने हटा दिया। ओके, अब तो x का वैल्यू 1 रहता, कॉन्स्टेंट रहता, तो x इंटू पाई दैट इज पाई, इधर भी x इंटू पाई दैट इज पाई, तो x हट जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ओके, तो क्या हो जाएगा, है 1 माइनस साइन x डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री इंटू डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस साइन x डिग्री इंटू 1 माइनस कॉस x डिग्री इंटू, यहाँ पे भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180, और डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस साइन x डिग्री का स्क्वायर, ये इक्वल में आएगा। ठीक है ना? ओके, अब क्या करेंगे बॉस, अब यहाँ पे हम लोग देखो कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। देखो कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, ये माइनस के इधर का सब मल्टीप्लाई में और ये माइनस के इधर सब मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे भी पाई अपॉन 180, यहाँ पे भी पाई अपॉन 180, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है। ओके, तो क्या करेंगे, क्या यहाँ पे अच्छा ये 1 कैसे आ रहा है, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर x, ये आने को ना, यहाँ पे 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ कॉस रहेगा, माइनस कॉस, सॉरी ये ओनली माइनस कॉस एक्स डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कॉमन हम ऐसा लेंगे पाई अपॉन 180 इंटू, देखो कॉस एक्स यहाँ पर भी है, कॉस एक्स यहाँ पर भी, राइट है ना? हाँ, और दूसरी बात एक काम करते हैं, ये स्टेप डबल लिख लेता हूँ। ओके, डोंट वरी, 1 माइनस साइन x का डिग्री इंटू कॉस एक्स का डिग्री पाई अपॉन 180, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस के, प्लस 1 प्लस साइन x का डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री पाई अपॉन 180, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस साइन x डिग्री का स्क्वायर। ठीक है ना? चलो अभी कॉमन लिए, पाई अपॉन 180 कॉमन निकलेगा, पाई अपॉन 180 यहाँ पे कॉमन लिया मैं, देखो कॉस एक्स भी इंटू कॉस एक्स भी ले दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको ब्रैकेट में लूँगा, ये माइनस है ना, तो एक बार माइनस एक बार, 1 माइनस साइन x डिग्री ब्रैकेट कंप्लीट प्लस आपका ये 1 प्लस साइन x डिग्री अपॉन क्या आएगा, 1 माइनस साइन x डिग्री का स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा, अब ये अगर मैं ब्रैकेट खोल दू, ये ब्रैकेट खोल दू तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, देखो 1 माइनस साइन x डिग्री प्लस 1 प्लस साइन x डिग्री अपॉन इसका वो साइन x डिग्री का स्क्वायर। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस गेट कैंसिल, बचा क्या, 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई अपॉन 180 इंटू कॉस एक्स। अभी क्या बचा आपके पास, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 दैट इज कितना हो रहा, ये डिग्री है, डिग्री ये कॉस एक्स डिग्री ये इंटू में 2, ये 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 माइनस साइन x डिग्री का स्क्वायर। अब देखो ये जो है, इसको फिर से लिखना पड़ेगा, स्टेप क्लियर नहीं दिख रही, वन बाई अपॉन 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री इंटू 2 अपॉन 1 माइनस साइन x डिग्री का स्क्वायर। ये स्टेप मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, ये कट कर देता, देखो ये 2 से इसको डिवाइड करो, 2 1 2 ये 90 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ रहा, यहाँ पे आंसर आ रहा पाई अपॉन 90 इंटू
cos x degree upon 1 minus sin x degree square. Okay, this is your final answer. ये आपका final answer. Okay, ठीक है. Thank you.